आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. नमस्कार, मी वैष्णवी कांबळे. स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. चर्चेत होणारच मागील वर्षी दिवाळी निमित्ताने विठ्ठलवाडी पोलिसांनी एक हात पोलीस दादांचा या उपक्रमाअंतर्गत अनेक वयोवृद्ध नागरिकांना दत्तक घेतले होते. ही परंपरा कायम सुरू राहावी यासाठी महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. अपत्य नसल्याने किंवा मुलांनी व नातेवाईकांनी वाऱ्यावर सोडल्याने अनेक वृद्धांना एकाकी जीवन जगावे लागते. मायेचा हात फिरवण्यासाठी किंवा साधी विचारपूस करण्यासाठीही त्यांच्याजवळ कुणी नसतं. अशा एकाकी वृद्धांना मायेचा ओलावा देण्यासाठी मागील वर्षी विठ्ठलवाडी पोलिसांनी एक हात पोलीस दादांचा या उपक्रमाअंतर्गत अनेक वयोवृद्ध नागरिकांना दत्तक घेतले आहे. ही परंपरा कायम सुरू राहावी यासाठी विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रमेश भामे यांनी वयोवृद्ध नागरिकांची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत वयोवृद्ध नागरिकांच्या आजारपण, जेवण, औषध, सुरक्षा, उपचार यांसारख्या अनेक विषयांवर त्यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. कुछ हमारा कौतुक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपकी तकलीफें दूर करना है. और इसमें ज्यादातर हमारा ध्यान है कि जिनको कोई देखभाल करने के लिए कोई है, ऐसे जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए हम हेल्प करना चाहते हैं. जो मंच पे बैठे लोग हैं, बलबीर सिंह दास जी, आप जरा खड़े हो, ये खाना देंगे आपको, मुफ्त में खाना देंगे, तालियां बजाओ के लिए. आहूजा आहूजा साहब, पीएस आहूजा, आप ऊपर आ जाइए, इनको स्टेज पर. उल्लासनगर कैंप 4 में जो भी समाज सेवी लोग हैं उनकी मदद से हमने दिवाली में सीनियर सिटीजन लोगों को हेल्प करने के लिए कमेटी बनाई थी. ये कमेटी परमानेंट रहेगी, ये कमेटी नॉन पॉलिटिकल रहेगी. ये सिर्फ यहाँ जो भी आजू बाजू में मेरे लोग दिख रहे हैं ये सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं. ये सिर्फ सेवा करना चाहते. जो भी सीनियर सिटीजन है जिनको बच्चे नहीं है, बच्चे हैं लेकिन उनको संभालते नहीं है, उनकी केयर नहीं करते, ऐसे जो भी सीनियर सिटीजन है वो हमें हेल्प मांग सकते हैं. उनको हेल्प में समझो उनको मेडिसिन का प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन का प्रॉब्लम है तो हम लोग उनको दवा दे सकते हैं, घर जाके उनकी ट्रीटमेंट कर सकती है. हमारे 4 हॉस्पिटल हमने फिक्स किए हैं, वो 4 हॉस्पिटल में जाके वो मुफ्त में सेवा ले सकते हैं. हमारे जो भी उल्लासनगर कैंप 4 में वही सेवाभावी डॉक्टर्स है, उन्होंने हमें वचन दिया है कि हम लोग ज्येष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, उनको मुफ्त में सेवा देंगे. और जो सीनियर सिटीजन है बीमार है और बीमारी की वजह से वो खाना नहीं बना सकते, उनके लिए मेरे आजू बाजू में जो भी लोग हैं वो घर जाके खाना देंगे. और कोई सीनियर सिटीजन है उनका घर समझो खाना खाने का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन बीमारी की वजह से वो मार्केट में नहीं जा सकते, उनका पर्सनल कुछ काम है वो कर नहीं सकते, इसके लिए जो मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं ये कमेटी है उनकी सेवा के लिए 24 घंटा हाजिर है. इनको मैं दुआ देना चाहता हूँ कि ये सब लोग समाज के अच्छे के लिए, सीनियर सिटीजन लोगों को हेल्प के लिए आगे आए और पुलिस की मदद कर रहे हैं. मैं इनको बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनका आभारी हूँ. और यह ऐसी कमेटी परमानेंट चली रहे इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्न करते रहेंगे. ही परंपरा कायमस्वरूपी सुरू राहावी यासाठी विठ्ठलवाडी पोलिसांनी राबवलेल्या एक हात पोलीस दादांचा या उपक्रमाअंतर्गत सर्व स्तरातून कौतुक केलं जात आहे. आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.